सूबाई हलका पीपी 222 में जिमनी इंतखाबात का मामला। हलके में दोबारा पोलिंग 14 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फेरिस 15 सितंबर को आवीजा की जाएगी। 16 सितंबर को उम्मीदवारों को निशानात अलॉट किए जाएंगे। 30 अगस्त तक कागजाती नामजदगी जमा करवाई जा सकेगी और बताया जा रहा है कि पीपी 222 की नशिस्त गुलाम अब्बास खाके के इंतकाल के बायस खाली हो गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, ये अहम खबर है मुल्तान से, आपको अपडेट कर रहे हैं। सूबाई हल्का पीपी 222 में जिमनी इंतखाबात का मामला। हल्के में दोबारा पोलिंग 14 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 15 सितंबर को आवेजा की जाएगी। 16 सितंबर को उम्मीदवारों को निशानात अलॉट किए जाएंगे। 30 अगस्त तक कागजाती नामजदगी जमा करवाई जा सकेगी। इस हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे रजा मलिक से। जी रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई हल्का है पीपी 222, इसमें जिमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। उसके लिए पोलिंग जो है वो 14 अक्टूबर तारीख उसके लिए मुकर्रर की गई है। ये नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली भले गुलाम अब्बास खाकी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी, जिस पर अब जिमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हवाले से मुकर्रर किया गया है, शकील डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर मुकर्रर किया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है शकील अहमद को इस हवाले से उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और वो पीर के रोज से अपने पब्लिक नोटिस जो है वो आवेजा कर देंगे, जिसके बाद से ये मरला जो है शुरू हो जाएगा और तीसरी जगह से जो है वो कागजात के नाम की वसूलत जमा करने का सिलसिला जारी रहेगा। जी जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आप हमें अपडेट कर